मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव कम्प्लीटेड दिस टॉपिक। ठीक है, ये पॉपुलेशन पिरामिड हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तो यहाँ पे क्या हम लोग जाने थे कि ये साइड एज ग्रुप है। वन मिनट, लेट मी जूम इट। यहाँ पे एज ग्रुप है और यहाँ पे परसेंटेज है, मतलब कि 0 से 4 ईयर के बीच में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं परसेंटेज वाइज, ये हम लोग देख रहे हैं इस पिरामिड से। और एक पॉइंट ये भी निकलता है कि पॉपुलेशन का डायग्राम कैसा होता है। पॉपुलेशन का डायग्राम पिरामिड होता है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आस्ते आस्ते उम्र बढ़ता है तो क्या होता है, पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, ठीक है, वो कम होता चला जाता है। मतलब कि ये कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होता चला जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन कम हुआ तो किसी पर्टिकुलर एरिया में फिर अगर तुम मेजरमेंट करोगे तो फिर डेंसिटी भी कम आएगा। तो द फैक्ट इज, पॉइंट इज स्टेट हियर, वी हैव टू फोकस स्टेट द, जैसे जैसे एज बढ़ रहा वैसे वैसे पॉपुलेशन कम हो रहा। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों का किस तरह से रेशियो कम हो रहा वो देखना। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में ये सारा कार्टून वाला भी कहानी पढ़ लिए थे। हम लोगों को स्टार्ट करना इस जगह से, क्योंकि इस कार्टून पे हम लोग यहाँ पढ़े थे कि हम लोग अदर कंट्रीज के टर्म में भी पढ़ेंगे, है ना, अदर कंट्रीज का टर्म में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ भी ये जो पहला ग्राफ है, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, इस जगह पे है ना। फिर इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केनिया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, उसी का कहानी बता रहा है, किस तरह पॉपुलेशन वहां एग्जिस्ट है, उसका क्या कंपोजिशन है, यही बता रहा है ना, तो वही उसका स्टोरी हो गया। द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट दैट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। द साइज ऑफ टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल अबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, तो शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये स्टोरी बता रहा है कि कैसा कंपोजिशन है। और फिर क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है ये बॉटम में, मतलब नीचे, ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ रहा तो ऊपर चला जा रहा है। ये देखो ना, सिंपल सा देखो ना, देखो ये बस ग्राफ जो है ना उसी का डिटेल वहां पे बताया। देखो एज क्या है, जो इन्फेंट है नीचे, फिर उससे थोड़ा सा एज बढ़ा, फिर एज बढ़ा, तो एज बढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे एज बढ़ रहा है हम लोग अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो अपवर्ड मीन्स हायर एज, डाउनवर्ड मीन्स लोअर एज। तो डाउनवर्ड को ही ये बॉटम लेवल हो गया इस ग्राफ में देखा जाए। बॉटम लेवल मीन्स निचला, टॉप लेवल मीन्स सबसे ऊपर वाला, बस यही बात बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर पॉपुलेशन पिरामिड्स ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट देयर आर इन कंट्री। व्हाट, हाउ मेनी डिपेंडेंट देयर आर इन कंट्री। अब ये तो एक ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, अब ये पॉपुलेशन पिरामिड एक ग्राफ दिया हुआ। अब इस ग्राफ से आप क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका डाटास पे और आपका कंसेप्ट पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या समझा जा सकता है वो देखो यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे क्या, पॉपुलेशन पिरामिड जो है, पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट देयर आर इन कंट्री। डिपेंडेंसी रेट भी बता रहा, ठीक है। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट, ठीक है, एज्ड बिलो 15 ईयर्स एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स एज्ड ओवर 65 ईयर्स। डिपेंडेंट मतलब कि वो जॉब नहीं कर रहा है और वो अर्निंग पर्सन पे डिपेंडेंट है, जैसे अभी आप लोग हो। ठीक है, आप लोग हो क्या है, अर्न नहीं कर रहे हो तो मम्मी पापा पे ही डिपेंडेंट हो। तो इसी तरह जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं पीपल, जब बुजुर्ग हो जाते हैं दादा जी लोग, ठीक है, दादा दादी जी लोग, ये लोग क्या है, डिपेंडेंट है ना, क्यों, क्योंकि वो लोग अर्न अप कर नहीं सकते।
तो डिपेंडेंसी लेवल देखा जाए तो दो ग्रुप का होता है, पहला यंग डिपेंडेंट एंड इल्डरली डिपेंडेंट। ठीक है, दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव, और वर्किंग एज क्या है, इकोनॉमिकली जो एक्टिव हो। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस। ठीक है, ऐसा कंट्री जिसका डेथ रेट्स, ठीक है, और बर्थ रेट्स ब्रॉड होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो बेस होगा ग्राफ का वो ज्यादा चौड़ा होगा। देखो ना यहां पर लिखा, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई, दोनों ज्यादा, ठीक है, इज ब्रॉड एट बेस, जो बेस होगा, ये जो बेसमेंट होगा, ये बेसमेंट ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, बात समझे, सिंपल सा बात है, मृत्यु दर और जन्म दर ज्यादा रहेगा तो बेस उसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, वैसा कोई बात है नहीं। फिर देखो, एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड द टॉप, और आस्ते आस्ते जैसे जैसे आओगे वो पतला होता चला जाएगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रेन आर बोर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं, नवजात शिशु रहते हैं, उनका भी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, और फिर कुछ जो जैसे मान लो कि देखो 100 बच्चे जन्म लिए, ठीक है, इसमें से क्या हुआ 10 मान लो मृत्यु की ओर चले गए, ठीक है, मृत्यु हो गया उनका, 90 बचे। अब जैसे जैसे ये भी ग्रो कर रहे हैं, ये भी जो ह्यूमन बींग है, ठीक है, ह्यूमन स्पीसी है, जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो बीच बीच में बहुत सारे मृत्यु की ओर जा रहे हैं ना भाई, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि फाइनली जब एज देखोगे 70 तक या 65 तक, तो ये 90 भी घटकर कम हो जाएगा, है ना, घटकर कम हो जाएगा, तो वही बात ये बता रहा है। ठीक है, और दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड सोन फॉर केनिया, ये केनिया का फिगर में दिखेगा, 6.7 देखो, केनिया का फिगर देखो, पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड ऑफ केनिया देखो, नीचे ठीक है बेसमेंट ब्रॉड है ना, अब आस्ते आस्ते जैसे जैसे ऊपर जा रहे देखो कम होता जा रहा, मतलब कि डेथ होता चला जा रहा, मृत्यु दर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मेल फीमेल दोनों साइड है, ठीक है, बोथ साइड है, तो देखो क्या, अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, मतलब कि हायर एज ग्रुप में आ रहे हैं, 70 to 74, कितना कम हो गया पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये पता चल रहा है इस ग्राफ से, है ना। चलिए आगे आइए, अब देखिए, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंगेस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू द एडल्ट। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया 6.8 का पिरामिड देखो, यहां पर क्या है, यहां पे क्या है, देखो जन्म जो हुआ 0 to 4 के बीच में, अब देखो क्या है कि ये नैरो पतला तुरंत नहीं हो रहा, आस्ते आस्ते हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डेथ रेट है वो कम है। यहाँ केनिया वाला देखो कितना जल्दी पतला हो गया, है ना, नैरो हो गया ना, देखो तुरंत नैरो होता चला गया। ठीक है, बट इंडिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है तुरंत नहीं हो रहा, है ना, समझे, तो ये है बात, समझे। चलो आगे देखो, सच पॉपुलेशंस कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। इसका मतलब क्या है, जब डेथ रेट कम है, सर्वाइवल ज्यादा है, तो आपके पास नंबर ऑफ यंग पीपल ज्यादा है। जब यंग पीपल ज्यादा है तो मतलब आप स्ट्रांग हैं और आपका लेबर फोर्स भी स्ट्रांग है। ठीक है,
इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस. ठीक है, जापान में जैसे कि बर्थ रेट क्या कम है तो जो नैरो है बेसमेंट ही नैरो रहेगा पिरामिड का. फिगर 6.9, ये देखिए 6.9, देखिए बर्थ रेट ही कम है तो नैरो है ना, जो बेस है ज्यादा ब्रॉड नहीं ना है, पतला है, कम में है. ठीक है, फिर देखो ये क्या हो रहा, आस्ते आस्ते फिर किसी जगह पर ब्रॉड हो रहा, फिर जिग जैग है ना, फ्लक्चुएटिव है. ठीक है, देखो आगे क्या बोलता है, यहां तक समझ गया 6.9 तक. डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज. स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल इंडोर्ड विथ अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन. क्या क्या फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, स्किल्ड स्पिरिटेड मतलब जुनून हो, स्किल्ड हो, है ना, एंड होपफुल यंग पीपल. होपफुल यंग पीपल मतलब कि निराश नहीं, पॉजिटिवली वो काम करे, है ना, अच्छा का उम्मीद में. स्किल्ड स्पिरिटेड होपफुल यंग पीपल इंडोर्ड विथ पॉजिटिव आउटलुक, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ नेशन. ठीक है, वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स. दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एवल एंड प्रोडक्टिव. और इंडिया के पास ऐसा है, फॉर्चुनेटली इंडिया के पास ऐसा है. ठीक है, कि दे मस्ट बी एजुकेटेड, पीपल तो है, ठीक है, पीपल तो है, बट उसे एजुकेट करना पड़ेगा ना. एजुकेशन दीजिए, फिर उसे स्किल दीजिए, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो अच्छा प्रोडक्टिव काम करेगा. ठीक है, ये हो गया. अरे चैप्टर कंप्लीट. ठीक है, अब क्या है, एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में करोगे आप लोग क्या क्या. व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड एज रिसोर्स, पीपल रिसोर्स की तरह क्यों कंसिडर्ड है, किया जाता है, क्योंकि पीपल ही अल्टीमेट रिसोर्स है, जो कि नेचुरली जो भी नेचुरल गिफ्टेड रिसोर्स हमारे धरती पे है उसे यूज कर सकता है, इसलिए पीपल सबसे बड़ा रिसोर्स है. व्हाट आर द कॉज फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. ऐसा क्यों है, ड्यू टू सॉरी थोड़ा गला फंस रहा मेरा. व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका पॉपुलेशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहां टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, सोशल फैक्टर ये सब फेवरेबल हो. ठीक है, तो जहां जहां पर सॉइल वगैरह फेवरेबल है उसी जगह पॉपुलेशन है, तो इंटायर वर्ल्ड में एक जैसा नहीं ना है. ठीक है, रिसोर्स जो है वो इवेनली नहीं ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवेनली है ना, तो ये रीजन हो जाएगा सारा. देखो ना, ऊपर से ही आंसर निकल जाएगा. ठीक है, कंसेप्ट समझो, आंसर का चिंता मत लो. ठीक है, कंसेप्ट समझो, आंसर का चिंता मत करो, आंसर तो खुद ब खुद आ जाएगा कंसेप्ट समझ जाओगे तो. वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली. वाई वर्ल्ड पॉपुलेशन इतना रैपिडली क्यों ग्रो किया, ड्यू टू मेडिसिन फैसिलिटी, है ना, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ आपका बढ़िया है. ठीक है, ये सब के कारण ऊपर पढ़े ही थे. डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज का कोई भी दो फैक्टर डिस्कस कीजिए. ठीक है, माइग्रेशन वाला से उठा के पुट कर लो. ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, लिटरेसी बताता है, सेक्स बताता है, एज बताता है, ये सब डिस्कस करो यहाँ पे. व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड, अभी जस्ट पढ़े पॉपुलेशन पिरामिड. हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, इसका बारे बताने की जरूरत है नहीं, अभी तुरंत पढ़े. फिर टेक द करेक्ट आंसर, व्हिच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू. ठीक है, ये सब करो घर पे बैठ के. ठीक है, अब ये तो मैं यहां से कर दिया, आप लोग अपना बुक से पढ़ो, कंसेप्ट सेम है. ठीक है, उसे एक्चुअली क्या ना कि ऑनलाइन थोड़ा वो अपलोड नहीं हो पा रहा डिवाइस पे, है ना, और अल्टरनेट मेथड है, बट क्या कि क्वालिटी थोड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन टॉपिक सारा सेम ही है ना, टॉपिक सेम है तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, है ना. तो आप लोग ज्यादा ब्रॉड व्यू में पढ़िए उसे. ठीक है, घर पे पढ़िए उस बुक को, सारा कंटेंट यही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि कुछ अलग होगा ही नहीं इससे. ठीक है, तब आप लोग कंप्लीट करो.
और ये हाँ, ज्योग्राफी आप लोग का कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर था। अब क्या करेंगे, अब क्या स्टार्ट किया जाए, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हिस्ट्री करेंगे, है ना। ये एक ज्योग्राफी इसलिए कंप्लीट करवा दिए कि अब आराम से आप लोग ज्योग्राफी पढ़िए, नोट्स बनाइए, है ना, और मेहनत करते चलिए। उसके बाद देखते हैं, अगर तुम लोगों का कुछ मन में हो कि सर ये पढ़ाइए, या कोई एक होता है ना भाई स्टूडेंट का भी अपना मन पसंदीदा चैप्टर पढ़ने का, इकोनॉमिक्स से हो, पॉलिटिक्स सिविक्स से हो, फिर हिस्ट्री से हो, तो अगर तुम लोगों का कुछ मन हो कि सर ये स्टार्ट कीजिए, तो कमेंट पे छोड़ देना, है ना, कमेंट पे छोड़ देना, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कमेंट पे जिधर ज़्यादा कमेंट रहेगा, जिधर ज़्यादा वोट रहेगा जिस टॉपिक के लिए, वही स्टार्ट करूंगा, है ना। तो तुम लोग फ्री हो, तुम लोग को भी कुछ मन करे तो बोल सकते हो, नहीं तो फिर मुझे जो मन करेगा मैं तो स्टार्ट करूंगा ही। ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना मन से स्टार्ट कर दूंगा। अगर किसी का कमेंट नहीं आया तो मैं सिविक्स स्टार्ट कर दूंगा, याद रखना। ओके, बाय, टेक केयर।